दो साल पहले एप्पल हैड इंट्रोड्यूस द आईफोन 5. अब ये उनका एंट्री लेवल फोन था, सो दे कुडंट प्ले विद द प्राइस एंड एंश्योर दे कुड ऐड मैक्सिमम फीचर्स टू इट. प्राइस लिमिटेशन की वजह से दे कुडंट लोड इट विद अ लॉट ऑफ फीचर्स. लेकिन नेक्स्ट ईयर एप्पल डिड अ स्मार्टर मूव. व्हाट दे डिड वाज दे इंट्रोड्यूस द 5C एंड द 5S. अब क्योंकि 5C वाज द एंट्री लेवल फोन, तो देयर प्राइसिंग फॉर द सी वॉज सिमिलर टू द आईफोन 5. लेकिन क्योंकि 5S वॉज अबाउ द 5C, दे कुड प्ले विद द प्राइजिंग. सो द 5S गॉट फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड वॉट नॉट दैट द 5C और द रेगुलर आईफोन माइट हैव नॉट गॉट. दैट इज समथिंग डन बाय मर्सिडीज बेंज टू. सी क्लास उनकी ब्रेड एंड बटर सेडान थी, लेकिन अब देयर इज द CLA विच इज द न्यू एंट्री लेवल कार टू मर्सिडीज बेंज ब्रांड. इस वजह से द सी क्लास हैज बिकम फ्री फ्रॉम द प्राइस टैग इशू एंड नाउ मर्सिडीज बेंज हैज लोडेड द न्यू जनरेशन सी क्लास विद अ लॉट ऑफ फीचर्स. टुडे वी ड्राइव द न्यू जनरेशन सी क्लास एंड टेल यू इफ इट इज रियली लग्जूरियस. जो नई जनरेशन मर्सिडीज बेंज कार्स हैं, दे लुक अ लॉट अलाइक टू ईच अदर. लेकिन जो सी क्लास है, दैट रिजेंबल्स द एस क्लास. इट कैन इवन बी कॉल्ड एज अ बेबी एस क्लास. नई सी क्लास ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है इन दिस सेगमेंट. ये स्पेशियस ही नहीं, बल्कि इट इज अ लॉट मोर फीचर लोडेड देन द प्रीवियस जनरेशन का. इट गेट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स फ्रॉम द एस क्लास एज वेल, विच मेक्स इट अ लॉट मोर एलिगेंट एंड प्रीमियम कंपेयर्ड टू इट्स प्रीडेसेसर. स्पेस एटलीस्ट इन द फ्रंट इज अ लॉट मोर देन द प्रीवियस कार, और द फर्स्ट थिंग यू फील इज यू आर ड्राइविंग एन ई क्लास इंस्टेड ऑफ द सी क्लास. इंटीरियर स्टाइलिंग इज वेरी classy and chic. So as a package, it's a great car to pick in this segment. I think now the competition needs to up their game. In terms of features, the C-Class gets a new large screen at the center, which already has the bells and whistles like reverse parking camera. Push start has first time been added to the C-Class. Mein 13 speaker Burmester system aata hai, and even the command has a touchpad for the first time. The best part about this car is the rear space. It is a lot more spacious and very comfortable for rear passengers, even if you're tall. At the back, you also get an option for the first time in any car in this segment with a 230 volt socket. तो आप डायरेक्टली अपना लैपटॉप या फोन चार्ज कर सकते हो एट द बैक फ्रॉम योर रेगुलर AC चार्जर. सी क्लास दो इंजन के साथ अवेलेबल है. पहला है पेट्रोल, जो 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है, और ये अबाउट 180 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, और ये 7 स्पीड सिंगल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है. ये ऑटोमेटिक है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द पेट्रोल इज द पावर इट प्रोड्यूसेस. अब क्योंकि नई जनरेशन सी क्लास इज अबाउट 70-90 kgs लाइटर, इट फील्स अ लॉट मोर पेपियर. तो ऐसे सडन सिटी में पिकअप चाहिए आपको, दिस का फील्स वेरी गुड. डीजल जो है, इट्स अ 2.2 लीटर इंजन दैट प्रोड्यूसेस क्लोज टू 170 bhp ऑफ पावर. ये इंजन भी 7 स्पीड सिंगल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से कनेक्टेड आता है, एंड दिस कार इज ऑल्सो रिफाइंड एटलीस्ट ऑन द इनसाइड. बाहर द इंजन डज साउंड नॉइजी, बट आई थिंक यू कैन लिव विद दैट. ड्राइवेबिलिटी इज वेरी लीनियर. आपको वो सडन पिकअप नहीं मिलता है जैसे आपको पेट्रोल में अवेलेबल है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द डीजल इज दैट इट इज वेरी ड्राइवेबल इन सिटी एंड
स्मूथ। राइड भी काफी ज्यादा इंप्रूव की है ओवर द ओल्डर कार, जबकि पुरानी गाड़ी की राइड वाज वन ऑफ द बेस्ट इन इट सेगमेंट्स। आई थिंक मर्सिडीज बेंज हैज गॉन अ लेवल अबव द सी क्लास एंड दिस एक्चुअली फील्स लाइक एन ई क्लास व्हेन यू गेट बिहाइंड द व्हील। हैंडलिंग टू इज वेरी अजाइल। Nayi generation C-Class is a lot more premium and bigger than the older C. It has a lot more features, more comfort at the back, and even the driving pleasure is more. Kyunki ye gaadi lighter hai, it is off its feet much faster, and even the fuel efficiency is bumped. Now, the only downside of this car is its price. Iski pricing E-Class se kaafi similar hai. So if you're out in the market to buy a new sedan which is luxurious and premium, hamara recommendation hai to go and buy the new C-Class. Don't consider it and scale it with the other C-Class competition cars in the market. C-Class is not just about them.